पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज यानी आज 11 अप्रैल को बंद किया जा रहा है और सभी मिलकर ब्लैक डे मनाएंगे। सभी स्कूलों ने सामूहिक रूप से छुट्टी घोषित कर दी है। यह फैसला CBSE एफिलिएटेड स्कूल एसोसिएशन कासा की तरफ से बैठक करके लिया गया। इसमें कासा से जुड़े स्कूल व कॉलेजों के पदाधिकारी शामिल हुए थे। प्रधान अनिल चोपड़ा का कहना है कि गुरदासपुर में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के असल दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और पुलिस ने केवल गिरफ्तारी दिखाने के नाम पर स्कूल चेयरमैन को घर से बुलवाकर उन्हीं की गिरफ्तारी डालकर गलत कार्रवाई की है। घटना स्कूल में हुई भी नहीं और ना ही उस दिन चेयरमैन स्कूल में थे। गुरदासपुर के DC और SSP की तरफ से यह गलत कार्रवाई की गई है, जिस संबंध में उन्हें सभी वीडियो फुटेज और चेयरमैन के बेकसूर होने संबंधी सभी सबूत दिया जा चुका है। इसके बावजूद पुलिस स्कूल चेयरमैन पर दर्ज की गई FIR रद्द नहीं कर रही और ना ही असल आरोपितों को पकड़ रही है। वे बच्ची और बच्चे के परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, मगर पुलिस सही कार्रवाई तो करे। जाँच के बिना गिरफ्तारी डालनी भी तो उचित नहीं है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी की सजा दे दें, उन्हें कोई ऐतराज नहीं। पुलिस जांच करे और असल दोषियों की तलाश करे। यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन की गलत कार्रवाई के विरोध में ही स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। उनके साथ उपाध्यक्ष जोधराज गुप्ता, पॉलिटेक्निक कॉलेजों के अध्यक्ष विपिन शर्मा, नर्सिंग कॉलेजों के अध्यक्ष संजीव चोपड़ा, कासा के सदस्य नरोत्तम सिंह, डॉक्टर अनूप पोरी, दलविंदर सिंह, राजू, संजीव माड़िया, मनिंदरजीत सिंह, गुरदीप, परवीन बेरी, विजय मैनी, राजेश मेयर ने कहा कि बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ स्कूल के साथ परिवार का रिश्ता है। हम सभी इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान से अपील की है कि वे इस मामले को संज्ञान में लें और निष्पक्ष जाँच करवाएँ। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।